हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में जहां बात खत्म करी थी, स्टार्ट वहीं से करेंगे। फिर दो से तीन चीजें आज नई और सीखेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं लेक्चर में, लेकिन अब क्वेश्चन की लेंथ मैं बढ़ाऊंगा। अभी तक हमने मैक्सिमम 5 जर्नल एंट्री का क्वेश्चन किया, आज 8 का करके देखते हैं, ठीक है जी। 8 जर्नल एंट्री मैं दूंगा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश रुपी 1 लाख, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000, सोल्ड गुड्स कैश। मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलो बच्चों, नोट मेरे साथ साथ करते चलो आप। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000, गुड्स लॉस्ट 2। जी प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चन नोट किया है बेटा। सबसे पहले आप फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से पोस्टिंग, लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। आप सब मेरे साथ साथ हैं बेटा, पहले जर्नल एंट्री देन पोस्टिंग, ठीक है जी। मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी होगी, मैं जर्नल एंट्री इधर कर देता हूँ और बेटा बाद में क्वेश्चन रब करके लेजर इधर बना दूंगा। कुछ भी ऐसे करके मैनेज करते हैं बेटा। लो जी, फटाफट से जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, जर्नल एंट्री क्या हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बेटा जर्नल एंट्री तो आप रिवाइज कराओ मुझे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं। गुड्स परचेज करिए, एंट्री क्या होगी? परचेजेस टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक काम करते हैं, एक एक जर्नल एंट्री सब बताएंगे। रुक जाओ, मेरी मर्जी का बच्चा बताएगा। मंशिका, गुड्स बेचा क्या एंट्री करी होगी? थर्ड वन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, बिजनेस में कैश आया तो कैश डेबिट। गुड्स लॉस्ट इन फायर, इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? गुड्स लॉस्ट इन फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और बेटा क्योंकि गुड्स लॉस्ट हो गए हैं, गुड्स आते हैं बिजनेस में परचेजेस डेबिट, गुड्स जा रहे हैं बेटा परचेजेस क्रेडिट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट अमाउंटेड टू रुपी 2,000। सान्या, विड्रीव गुड्स फॉर पर्सनल यूज, एंट्री। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, गुड्स आ रहे हैं बिजनेस में परचेजेस डेबिट, गुड्स जा रहे हैं बेटा परचेजेस क्रेडिट। ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं बेटा, अमाउंटेड टू रुपी 3,000। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मान्या क्या एंट्री होगी बेटा? बेटा आप बैंक में डिपॉजिट करोगे पैसे, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जेब से कैश चला जाएगा टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीज 5,000। खुशी, परचेज रिटर्न, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू, बाबू गुड्स
जब आप परचेज करके लाते हो, परचेजेस को डेबिट करते हो, परचेज रिटर्न हमेशा परचेज का इफेक्ट कम कर देती है। तो बेटा अगर परचेज डेबिट होती है और कोई चीज इसका इफेक्ट कम कर रही है तो बेटा हमेशा साइड बदल दी जाएगी, नाम लिखा जाएगा परचेज रिटर्न। और अगर मैंने गुड्स वापस करे हैं बेटा तो पैसे तो लेकर ही आऊंगा और कैश आ रहा है तो बेटा क्या कर दो, डेबिट कर दो। यानी कि एंट्री क्या होगी बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीज 500। कैसे सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी बेटा, बेटा हम जब गुड्स बेचते हैं तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं और बेटा सेल्स रिटर्न सेल के इफेक्ट को कम कर देती है। सेल्स होती है हमेशा क्रेडिट है, जैसे ही सेल रिटर्न हुई सेल का इंपैक्ट कम हो गया तो बेटा इंपैक्ट कम करने के लिए क्या करूं, सेल्स रिटर्न को कर दो डेबिट। और जब कोई सामान आपको वापस दे रहा है पैसे तो आपको वापस देने ही पड़ेंगे बेटा, तो कैश जेब से चला जाएगा यानी कि बेटा कैश क्रेडिट में आ जाएगा। एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश। लो प्यारे बच्चों बहुत सारे लेजर बनने वाले हैं, एक बार काउंट करते हैं कितने लेजर बनने वाले। लो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे साथ साथ तो काउंटिंग कर रहे हैं, हम कितने लेजर बनेंगे। कैश का एक लेजर बनेगा बेटा, दूसरा लेजर, स्नेहा छोड़ दे बेटा नोट करना, ऐसी क्या जल्दी है तुझे, हाँ जी, दूसरा कैपिटल, तीसरा लेजर परचेज कैश बन चुका है, कैश बन चुका है, चौथा सेल्स, पांचवा लॉस बाय फायर परचेज का बन चुका है, सिक्स्थ वन ड्रॉइंग्स परचेज बन चुका है, सेवेंथ वन बैंक कैश बन चुका है, कैश बन चुका है, परचेज रिटर्न 8 और सेल्स रिटर्न 9। यानी कि लेजर बनने वाले हैं 9। क्वेश्चन इतना बड़ा करने के बाद भी लेजर बढ़े नहीं बेटा, 7-8 तो आप बनाकर आए हो तो 9 ही तो है, कुछ ज्यादा मुश्किल बात थोड़ी है, ठीक है ना। लेकिन आज बेटा अकाउंट्स रीडिंग सिखाना है, रट तो बहुत ली भाई, रटना तो हमारे खून में है, लेकिन वही तो नहीं सिखाना आपको कि रटते कैसे हैं चीजों को। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन रब करता हूँ, मैंने अपने लिए काफी अच्छा स्पेस छोड़ दिया है कि कैसे मैं लेजर प्रिपेयर कर सकता हूँ, इतनी जगह मैं 9 तो बना लूंगा, ठीक है जी। तो 9 लेजर आप नहीं बनाएंगे बेटा, सिर्फ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई बात तो नहीं होगी तभी मैं कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। मुझे ट्रायल बैलेंस को इंट्रोड्यूस करना है आज और अभी, ठीक है जी। चलो तो बेटा लेजर बनाने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला लेजर बनेगा कैश अकाउंट का, पोस्टिंग आप कराएंगे मेरे साथ साथ। कैश अकाउंट फॉर्मेट याद है आपको बेटा, इसे हम प्यार से बोलते हैं टी शेप अकाउंट, और कोई भी टी शेप अकाउंट हो आपको दिखाई दे रही होगी एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बोलते हैं डेबिट। लो प्यारे बच्चों जो आप कह रहे हो मैं तो वही लिख दूंगा। लो बेटा चार चार कॉलम होते हैं ना, याद है आपको। लो आप कॉलम के नाम बताओ, डेट पर्टिकुलर्स एल एफ अमाउंट डेबिट डेट पर्टिकुलर्स, जे एफ की फुल फॉर्म क्या होती है, जर्नल फोलियो, वेरी गुड। चलो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट है यानी कि पोस्टिंग का होगी ऑन द डेबिट साइड, लेकिन बेटा नाम क्या आएगा, हमेशा सामने वाली साइड का, यानी कि बेटा टू कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू रुपी 1 लाख, ठीक है ना। कैश अकाउंट बना रहे हैं बेटा, कैश अकाउंट डेबिट है यानी कि पोस्टिंग का होनी चाहिए, डेबिट साइड होनी चाहिए बेटा, डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, नाम क्या लिखूं सामने वाली साइड का, टू कैपिटल अकाउंट और बेटा अमाउंट कैश के सामने वाला लिख रहा हूं मैं, थोड़ी देर में बताऊंगा बेटा आज इसकी भी बात करनी है मेरे को, तो कैपिटल अकाउंट 1 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं। बड़े आगे बेटा सेकेंड एंट्री में क्या कैश आया, कहीं आया कि नहीं आया, आया किस साइड आया, क्रेडिट साइड आया, पोस्टिंग यानी कि किस साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी बेटा, क्रेडिट साइड मेरी ये साइड है, ठीक है। क्या नाम लिखूं, बाय परचेज अकाउंट और बेटा अमाउंट कैश के सामने वाला, ठीक है ना जी। लो जी बाय परचेज अकाउंट 20,000, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, आगे बढ़ो। थर्ड में फिर कैश आया बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट है तो पोस्टिंग बेटा डेबिट साइड होगी, नाम आएगा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट मैं कैश के सामने वाली लिख रहा हूं 5,000, टू सेल्स अकाउंट 5,000, ठीक है जी।
फोर्थ एंट्री कैश नहीं आया, यहां पर भी कैश नहीं आया, यहां फिर कैश आ गया बेटा। कहां पर है बेटा? क्रेडिट साइड, यानी कि पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड। क्या लिखो बेटा? बाय बैंक अमाउंट, मैं तो कैश के सामने वाली लिख रहा हूं बेटा, 5000, ठीक है ना, ये अमाउंट लिख रहा हूं मैं। अब आप कहोगे बैंक के सामने भी तो यही लिखी है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा बेटा थोड़ी देर बाद, देखना, मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं थोड़ी देर बाद फर्क पड़ेगा इस बात से। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट एंट्री में फिर कैश है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कैश कहां है लिखा है बेटा? डेबिट में। तो बेटा पोस्टिंग कहां होगी? डेबिट साइड। नाम क्या आएगा? टू परचेज रिटर्न। स्नेहा लास्ट एंट्री की पोस्टिंग बाय सेल्स रिटर्न अमाउंटेड टू ₹2000। बाय सेल्स रिटर्न अमाउंटेड टू ₹2000। बेटा अब मैं क्या करूंगा, अकाउंट को क्लोज करूंगा, ठीक है ना। और अकाउंट क्लोजर के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। बेटा अगर आप रफ में करना, आप जल्दबाजी मत मचाना, कुछ गलत मत करके आना। तो बेटा अगर मैं टोटल करूं तो यह है 1,05,500, ठीक है ना, 1,05,500। ऑब्वियस बात है बेटा यहां का टोटल तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, 27,000 दिखाई दे रहा। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, हाईएस्ट टोटल बोथ साइड, बेटा बैलेंस बच रहा है यहां कहीं ना कहीं। बैलेंस कैसे निकाल रहा हूं, जो मैंने टोटल लिखा माइनस ये जो टोटल है 27,000, तो बेटा बच गया क्या, बाकी बैलेंस बच रहा है बेटा, बैलेंस बच रहा है 78500, ठीक है जी। किस नाम से लिखते हैं? बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेट डाउन या सीडी आप प्यार से बोलते हो बेटा। और बेटा इसको ब्रॉट डाउन करना मत भूलना, क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू ₹78500, ठीक है जी। ये सबसे बड़ा लेजर यही बनना था, कैश अकाउंट में काफी स्पेस चला जाता है बेटा क्योंकि एंट्री काफी होती है। बढ़ते हैं आगे बेटा, नेक्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट। चलो जी फटाफट से प्रिपेयर कराओ मेरे साथ साथ कैपिटल अकाउंट। डेट पार्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। अंशिका कहां पोस्टिंग होगी कैपिटल साइड में पहली एंट्री की? क्या लिखूं? लो जी बेटा आप खुद समझो, कैपिटल अकाउंट कहां लिखा है? क्रेडिट साइड। तो पोस्टिंग कहां होगी बेटा? क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड। और क्या लिखा जाएगा? बाय कैश अकाउंट, लेकिन अमाउंट में कैपिटल के सामने वाली लिख रहा हूं बेटा। कितनी है? 1 लाख। और किसी भी एंट्री में कैपिटल अकाउंट नहीं है, हाथों हाथ क्लोज कर दो। हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल इज 1 लाख, दोनों साइड लिख दिया, यहाँ बैलेंस बच गया बेटा 1 लाख। किस नाम से लिखूं? तो बैलेंस सीडी। और बेटा इसको कहाँ ब्रॉट करें बेटा? बाय साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सीडी। किसने बोला? ठीक है जी, लो जी बात क्लियर इतनी। तो बेटा आगे बात करते हैं, थर्ड अकाउंट बनाते हैं, नाम है बेटा परचेज अकाउंट। लो प्यारे बच्चों फटाफट से परचेज अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। परचेज अकाउंट भी जगह लेगा इस क्वेश्चन में क्योंकि इसमें भी एंट्री 2-3 है। डेट पर्टिकुलर्स सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे ये बनाना। मैं तो कह रहा हूं एक बंदा रेंट पे रखूंगा जो लेजर बनाए मेरे लिए। हाँ और क्या, ये कोई बात है यार, फॉर्मेट बनवाते रहते हैं यार, मैं नहीं खेल रहा। लो जी परचेज अकाउंट बेटा, थर्ड एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट है, यानी कि पोस्टिंग का होगी बेटा ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर। बेटा नाम क्या आएगा? तो कैश अकाउंट, लेकिन बेटा मैं अमाउंट परचेज के सामने वाली लिख रहा हूँ, विच इज 20,000। बेटा यहाँ परचेज आया, मैंने पोस्टिंग कर दी, यहाँ यहाँ कहीं नहीं था परचेज, ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ, यहाँ आ गया, ठीक है जी परचेज आ गया बेटा। कहाँ पे लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड। पोस्टिंग कहाँ होगी? क्रेडिट साइड। नाम क्या आएगा? बाय लॉस बाय फायर अमाउंट कितनी है परचेज के सामने वाली? 2000। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ो आगे। इस एंट्री में भी परचेज है क्या? है जी। कहाँ है बेटा? अगेन ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ही पोस्टिंग होगी। नाम क्या आएगा? बाय
ड्रॉइंग्स कितनी बेटा? अमाउंट परचेज के सामने वाली देखना, भूल जाओ ड्रॉइंग्स के सामने क्या लिखा है बेटा। सेवेंथ एंट्री में परचेज नहीं आया, एट्थ में नहीं आया, नाइन्थ में नहीं आया, छोड़ दो जी, खत्म करूँ अकाउंट क्लोज। कैसे क्लोज करते हैं बेटा? हाइएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। लो जी बेटा करो हाइएस्ट टोटल, हाइएस्ट टोटल इज 20,000। मैंने दोनों साइड लिखा बेटा, यहाँ का बैलेंस है 5,000, तो बैलेंस बच गया मेरे पास 15,000। क्या लिखूंगा बेटा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन सीडी, ठीक है जी। और इसी को ब्रॉड डाउन करूंगा बेटा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंटेड टू रुपीज 15,000। लो प्यारे बच्चों बात क्लियर, बड़े आगे चलो जी बेटा। अगली एंट्री कैश पोस्ट कर चुका, अगली कैश पोस्ट कर चुका सेल्स अकाउंट, ऐसे ही होगा ना, देख के चलना बेटा एक एक चीज क्या क्या पोस्ट कर चुके हो, ठीक है ना। मैंने अभी परचेज अकाउंट बनाया, कैश अकाउंट में पहले बना चुका हूँ, यानी कि मैंने पोस्ट किया कैश अकाउंट में पहले बना चुका हूँ पोस्ट किया। अब बेटा किस पे आ गया हूँ मैं? सेल्स पे आ गया हूँ। चलो जी बढ़ते हैं आगे, सेल्स अकाउंट मुझे जितना मर्जी स्पेस दे दो, ये भी थोड़ा है। डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो एंड अमाउंट लो जी बेटा। सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग कहाँ होगी? कहाँ लिखा है सेल्स अकाउंट? ऑन द क्रेडिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होने वाली है। नाम क्या आएगा? बाय कैश अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीस। ये मैंने सेल्स के सामने देखा, कैश के मैंने सेल्स के सामने देखा है बेटा। थोड़ी देर बाद तो पता ही लग जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बात। अभी ये मत सोचना कि क्या फर्क है, दोनों में 5,000 ही तो लिखा है, लगेगा बेटा फर्क पता, लेकिन वेट करो अभी 5 मिनट के लिए, ठीक है जी। बाबू आगे देखिए सेल्स कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ, कहीं सेल्स नहीं है, कहीं पर भी सेल्स नहीं है बेटा। तो कर दो बेटा अकाउंट क्लोज। लो जी हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड ऑफ द अकाउंट 5,000, डेबिट साइड बैलेंस आ गया 5,000। क्या लिखूंगा? टू बैलेंस सीडी, और इसको बेटा ब्रॉड डाउन करूंगा ऑन द बाय साइड, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंटेड टू रुपीज 5,000। खत्म कहानी, ठीक है जी। बड़े आगे, नेक्स्ट वन इज लॉस बाय फायर अकाउंट। हाँ जी, लॉस बाय फायर यहाँ पर डेबिट साइड में लिखा है, तो बेटा एंट्री पोस्ट होगी डेबिट साइड में। नाम आएगा क्या? टू परचेज अकाउंट, और मैं क्या कर रहा हूँ, लॉस बाय फायर के सामने वाली अमाउंट देख रहा हूँ विच इज 2,000, और कहीं पर भी लॉस बाय फायर का नाम भी नहीं है बेटा, तो मैं अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ। हाइएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, बैलेंस आ गया बेटा क्रेडिट साइड में 2,000, और नाम लिख रहा हूँ मैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है जी। और इसको ब्रॉड डाउन करेंगे बेटा टू साइड, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंटेड टू रुपीज 2,000। लो प्यारे बच्चों बात ओके इतनी। तो बेटा मैंने ये सब पोस्टिंग कर दिया यहाँ तक, परचेज की पोस्टिंग पहले कर चुका हूँ। ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाऊंगा बेटा 6th नंबर पर, ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितने वेले बंदे का काम है ये जर्नल लेजर बनाना, मैं तो कह रहा हूँ बेटा आप पेपर में एक बंदा ले जाना अपने साथ 2,000 रुपये पे, क्या पता पेपर आपको दे दे 18-20 अकाउंट बनाने को, वेले काम। लो जी बेटा ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाना है बेटा, कहाँ लिखा है ड्रॉइंग्स अकाउंट? ऑन द डेबिट साइड, तो पोस्टिंग होगी बेटा ऑन द डेबिट साइड। क्या लिखूंगा बेटा? टू परचेज अकाउंट, कितनी अमाउंट लिख दे बेटा? ड्रॉइंग्स के सामने वाली 3,000। क्या ड्रॉइंग्स और कहीं पर है? कहीं नहीं है बेटा, तो बेटा क्लोज कर दो इस अकाउंट को। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड ऑफ द अकाउंट, बैलेंस आ गया 3,000, और लिख दो बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी सीडी, और बेटा इसको ब्रॉट डाउन करूंगा मैं टू साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू रुपी 3,000।
तो बेटा ड्राइंग अकाउंट तक मैं पहुंच चुका हूं, परचेस मैं पहले ही बना चुका हूं, दोबारा बनेगा। अब क्या एक और अकाउंट बनने जा रहा है, बैंक अकाउंट। लो जी बैंक अकाउंट बनने जा रहा है। इसके बाद मेरे दो अकाउंट और बचे हैं, परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न। बाबू बैंक अकाउंट कहाँ लिखा है? ऑन द डेबिट साइड। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, डेबिट साइड में पोस्टिंग करूंगा, लिखूंगा टू कैश अकाउंट बैंक के सामने वाली अमाउंट 5000, हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, क्योंकि कोई भी और एंट्री नहीं है बेटा। और बैलेंस सीडी निकाल दूंगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन अमाउंटेड टू रुपी 5000, और इसी को ब्रॉड डाउन कर दूंगा ऑन द टू साइड, तो बैलेंस ब्रॉड डाउन 5000 रुपी। ठीक है जी, अब मेरे पास दो एंट्री बची हैं बेटा, दो लेजर बचे हैं बेटा, एक परचेज रिटर्न एक सेल रिटर्न। स्पेस कम है तो बेटा जर्नल एंट्री रफ कर रहा हूँ। ठीक है जी, फिर बेटा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट 500। लो जी परचेज रिटर्न अकाउंट मुझे बनाना है बेटा, और सेल रिटर्न अकाउंट मुझे बनाना है, और फिर बेटा कुछ चर्चा एनालिसिस शुरू करेंगे आज। बेटा परचेज रिटर्न अकाउंट बना रहा हूं, कहां लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी। नाम आएगा बेटा बाय कैश अकाउंट, कितना बेटा 500 रुपए। ठीक है ना, और कोई भी एंट्री नहीं है तो बेटा हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, बैलेंस निकाल लो फटाफट से, टू बैलेंस कैरेट डाउन 500 रुपीज, और इसको ब्रॉड डाउन करना मत बोलना, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंटेड टू रुपी 500। ऐसे ही बेटा लास्ट अकाउंट बना रहा हूं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट बेटा। सेल्स रिटर्न अकाउंट बना रहे हैं, कहां पर लिखा है बेटा? डेबिट साइड, पोस्टिंग होगी डेबिट साइड, लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। बच्चे भी इतना पक चुके हैं कि कोई बोल ही नहीं रहा। लो जी अकाउंट क्लोज करेंगे बेटा, क्या करेंगे? हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड। मैं भी पक चुका हूं यार, गलत दे दिया इतना बड़ा क्वेश्चन। इतनी बड़ा क्वेश्चन सिर्फ आपको देना चाहिए, मैं तो छोटा सा करूंगा, दो एंट्री का क्वेश्चन। लो जी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, आपसे कराऊंगा अब होमवर्क में, 16 एंट्री का क्वेश्चन अब बताऊंगा तुम्हारे को, हंस रहे तुम मेरे ऊपर। लो जी तो बेटा मैंने सारे लेजर कंप्लीट कर लिए, अब कुछ एनालिसिस की बात करते हैं और ट्रायल बैलेंस की भी बात करते हैं। देखो बेटा ये बनाने में जितना आसान है ना उतना ही इसका एनालिसिस मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि आप क्या करते हो, अकाउंट्स को देखकर क्या समझते हो, कितना रट्टा मारते हो, लेकिन बेटा मैं चीजों को समझता हूं, और बेटा मेरा मानना यह समझ के ही काम चलेगा, अकाउंट्स रट के काम नहीं चलेगा। तो बेटा समझना शुरू करते हैं आज अकाउंट्स। मैं कहता हूं अगर मैं कैश अकाउंट देख रहा हूं मुझे समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है। मुझे जर्नल एंट्री कोई नहीं भी बताए ना, मुझे ये कैश अकाउंट की फिगर दे दे तो मुझे पता लगना चाहिए क्या हो क्या रहा था बिजनेस में। बेटा देखो एक बात बता देता हूं, कैश जब बिजनेस में आता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। कैश जब बिजनेस में आता है डेबिट होता है, याद है? रियल अकाउंट रखता है क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश आएगा तो डेबिट होगा, ये है ना बेटा डेबिट साइड, यानी कि इन वजह से कैश आया है। मैं रीड करता हूं क्या मुझसे रीड हो रहा है? कैपिटल के नाम के 1,00,000 आए, यानी कि बिजनेस शुरू हुआ होगा 1,00,000 आया होगा, मैंने सामान बेचा है 5,000 रुपए का, कैश आया है, परचेज रिटर्न हुई है बेटा, मैंने परचेज किया होगा, सामान वापस किया होगा, 500 दिए होंगे मेरे क्रेडिटर ने मुझे वापस। किस किस वजह से कैश गया है? सामान खरीदा 20,000 का कैश गया, बैंक में कैश जमा कराया, सेल रिटर्न हुई तो बेटा पैसे वापस करने पड़े कस्टमर को और कैश का बैलेंस डेबिट आया।
आपको पता है कैश का बैलेंस कभी क्रेडिट आ ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है बिजनेस में कैश है नहीं और आपने कैश में सामान खरीदा हुआ है, कैश डेबिट ही आएगा हमेशा और हमेशा, कैश का बैलेंस डेबिट ही आएगा। आप खुद सोचो, ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में लाए तो 50,000 और कैश खर्च दिए 60,000, तभी क्रेडिट आ सकता है। ये बिजनेस में आया हुआ पैसा है और ये बिजनेस में गया हुआ पैसा है। अगर कैश का बैलेंस क्रेडिट आए इसका मतलब क्या, सोचो तो सही कि बिजनेस में आए तो 50,000 और खर्च दिए मैंने 60,000, तभी आ सकता है क्रेडिट बैलेंस। ऐसा होगा कभी? बेटा जिंदगी में कैश का बैलेंस क्रेडिट नहीं हो सकता, कैश हमेशा डेबिट ही होगा और हमेशा डेबिट होगा, कोई रास्ता ही नहीं है क्रेडिट होने का। बैंक क्रेडिट हो सकता है कि नहीं? सोचो, मैं बेटा रटवाऊंगा नहीं कहना भी मत, बैंक क्रेडिट हो सकता है कि नहीं? कैश नहीं हो सकता, पक्का बैंक हो सकता है, हो सकता है ना? बैंक में पैसे पड़े हैं 5,000, मैंने खर्च दिए 10,000, जिसको मैं बैंक ओवरड्राफ्ट बोलता हूं। सर सुनी होगी मुझसे ही टर्म कभी ना कभी ऑनलाइन बैच में, मेरे बैंक में पैसा पड़ा है 5,000, क्या मैं 10,000 खर्च सकता हूं? कर सकता हूं। यानी कि बैंक मे हैव अ डेबिट बैलेंस, मे हैव अ क्रेडिट बैलेंस, बट बेटा कैश का बैलेंस कभी भी नहीं हो सकता क्रेडिट, हमेशा ही डेबिट होगा। ठीक है जी, परचेस का सोचो, मेरे साथ साथ सोचो, परचेस का बैलेंस कभी क्रेडिट हो सकता है क्या? बेटा गुड्स आते हैं तो परचेस डेबिट होती है, ठीक है ना? मेरे बिजनेस में 20,000 के गुड्स आए, 20,000 क्या है, ऐसे हो सकता है 30,000 की ड्रॉइंग्स हो जाए गुड्स की। यार 20,000 के आए, ज्यादा से ज्यादा 20,000 की तो जा सकते हैं, मेरे बिजनेस में 20,000 के गुड्स आए, ज्यादा से ज्यादा 20,000 के जा सकते हैं, आग लग जाएगी, चोरी हो जाएंगे, ड्रॉइंग्स में चले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 20,000, 30,000 तो नहीं, 25,000 तो नहीं। यानी कि परचेस का भी बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, हमेशा ही डेबिट होगा, हमेशा डेबिट होगा, क्रेडिट का तो कोई रास्ता ही नहीं है। सेल्स हमेशा ही क्रेडिट होगी, सेल्स कभी डेबिट होती है? कभी डेबिट होती है? कोई एक एंट्री बता दो जब सेल को हमने डेबिट किया हो, एक भी एंट्री नहीं है। सेल्स होएगी हमेशा क्रेडिट। अब मैं यही कह रहा हूं, यही सोचना है बेटा बहुत अच्छे से, खाली बैलेंस निकालने से काम नहीं चलेगा, अच्छा सोचने से काम चलेगा। मैंने आज एक MCQ दिया है, इनमें से कौन से अकाउंट का बैलेंस सिर्फ डेबिट होता है, अब पढ़ लेना MCQ और देख लेना बेटा, समझ आई बात, रीडिंग करनी आई। परचेज रिटर्न हमेशा ही क्रेडिट होगी, परचेज डेबिट होती है ना, परचेज रिटर्न हमेशा ही क्रेडिट होती है। कोई ऐसी एंट्री जिसमें परचेज रिटर्न को आपने डेबिट किया हो बताओ, किया किसी एंट्री में? सेल्स रिटर्न हमेशा ही डेबिट होगी, कैपिटल हमेशा ही क्रेडिट होगी, ड्रॉइंग्स हमेशा ही डेबिट होगी, ये सोचना पड़ेगा बेटा। बात क्लियर? ठीक है जी, वैसे बता देता हूं, हमने तो एक रूल भी पढ़ा है बेटा, क्लियर याद है, ये ऑनलाइन बैच में पढ़ा है ना, कैपिटल लायबिलिटी एक्सपेंसेस एसेट्स एंड रेवेन्यू, ठीक है ना बेटा? और एक बात फिर दोबारा बोल देता हूं बेटा, कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू पे एक जैसे रूल लगते हैं, याद है ना बेटा, और एक्सपेंसेस और एसेट पे एक जैसे रूल लगते हैं। बेटा हमेशा और हमेशा ये तीनों चीजें बेटा क्रेडिट होती हैं, कैपिटल भी क्रेडिट होती है हमेशा, लायबिलिटी भी क्रेडिट होती है और रेवेन्यू भी क्रेडिट होता है हमेशा, एक्सपेंसेस और एसेट्स हमेशा डेबिट होती है, ठीक है ना जी? ठीक है ना, कुछ एनालिसिस कुछ रीड करना है, मैंने क्या बोला, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगी। अगर आपने डेबिट में बैलेंस निकाल दिया ना, आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्रेडिट नहीं आया मेरा बैलेंस, दिख नहीं रहा, यही तो क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट आया ना मेरा बैलेंस। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है ना, अगर क्रेडिट में बैलेंस निकाल के है ना, तो आपसे बड़ा गधा नहीं हो सकता कोई। ये चीजों को पढ़ना भी सीखो, खाली आंसर नहीं निकालना मेरे को। बात क्लियर? अब ट्रायल बैलेंस क्या बला होती है भाई, बहुत दिन से बोल रहा हूं ट्रायल बैलेंस कराऊंगा, मैं कह रहा हूं ये चैप्टर इससे टूटा तो कोई चैप्टर ही नहीं हो सकता ट्रायल बैलेंस। सर हमने जर्नल एंट्री करी, जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग, क्या हमने लेजर बनाए? बेटा अभी बना रहे हम लेजर। लेजर का काम क्या काम होता है बेटा? क्लासिफिकेशन। एक अकाउंट से रिलेटेड सारी की सारी जर्नल एंट्री को एक जगह पे लिखना, कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे लिखना। ये देखो ये मैंने क्लासिफिकेशन करा कैश की एंट्री का, ठीक है ना? और ट्रायल बैलेंस इस फॉर समरी ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? समराइजेशन करना,
बेटा जब मैं इतनी सारी 1,00,000 जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करता हूं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाता हूं। ट्रायल बैलेंस पता है कितने पेज में बनता है? एक पेज में। एक पेज में बेटा वो पूरा अकाउंट्स का कंक्लूजन है, या क्रक्स बोल सकते हो आप, वो सिर्फ समरी है बेटा। वो समरी फॉर्म में बता देता है कि बिजनेस में क्या क्या चल रहा था पूरे साल भर। और आपको आज बनाकर दिखाता हूं बेटा, आप मेरे साथ साथ सीखेंगे। लेजर का बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप है बेटा, जिसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है जी। तो बेटा मैं ट्रायल बैलेंस एक बार, मेरे पास जितना स्पेस है यहाँ पर है, यहीं बना दूँ, आप मेरे साथ साथ यहाँ पर देखेंगे बेटा, ठीक है जी। सबसे पहले फॉर्मेट लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है। कोई नहीं लिखेगा मेरे साथ साथ, जब तक मैं लिखूंगा तब तक कोई नहीं लिखेगा बेटा। पहले आप समझेंगे, रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज का। तो बेटा सबसे पहले आप फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी फॉर्म नेम है बेटा, फॉर्म का नाम लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस ऑफ दिस एंड दैट एक्स वाई जेड लिमिटेड, मोहन दास, जिसका भी नाम दे रखा हो उसका नाम, ठीक है जी। किस पीरियड के लिए बना रहे हो आप, उस पीरियड का नाम लिखोगे बेटा। बाबू इसमें हमेशा फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट लिखी जाती है, एज एट। मान लो बेटा मेरा पीरियड था 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, तो बेटा मैं लास्ट डेट लिखूंगा कब बना रहा हूं ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल फाइनल डेट पर फाइनेंशियल ईयर की। ट्रायल बैलेंस ऑफ फर्म नेम और बेटा फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट पर बना रहा हूं बेटा, कि पूरे साल भर में क्या हुआ उसकी समरी आई, ठीक है जी। फॉर्मेट दिखने में कैसा होता है, बहुत ही आसान बेटा, बहुत ही आसान। सबसे पहला कॉलम सबसे बड़ा, यहां पर कॉलम का नाम है नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट। दूसरा कॉलम बहुत छोटा सा, मुझे इसका कुछ करना नहीं है बेटा, लेजर फोलियो, ठीक है ना। और थर्ड और फोर्थ कॉलम बिल्कुल बराबर, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों देखो कितना आसान होता है ट्रायल बैलेंस, आप सोच भी नहीं सकते होंगे बेटा। बाबू सुनो बेटा, जिसका बैलेंस जिस साइड आया उस साइड अमाउंट लिख दो, सारे अकाउंट के नाम लिखो। मैंने 9 लेजर बनाए ना, देख लो मैंने 9 लेजर बनाए ना, 9 के 9 के नाम लिखूंगा नेम ऑफ अकाउंट में। जिसका बैलेंस डेबिट में आया उसको लिखूंगा अमाउंट डेबिट, जिसका बैलेंस क्रेडिट में आया उसको लिखूंगा अमाउंट क्रेडिट। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, उस क्लियर वाला ही रूल अगर मैं याद रखूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं करना। कैपिटल कोई भी लाइबिलिटी और कोई भी रेवेन्यू हो, इन सब का बैलेंस कहाँ आता है बेटा, हमेशा क्रेडिट साइड। और बेटा एक्सपेंसेस और एसेट का बैलेंस कहाँ आता है, हमेशा ऑन द डेबिट साइड। चलो जी लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ, नेम ऑफ अकाउंट, कैश और क्या क्या बेटा, फटाफट से आप बोल दो, मैं नहीं देख रहा। कैपिटल, फिर परचेज, फिर सेल्स, लॉस बाय फायर, ड्रॉइंग्स। देखो जब पेपर में स्पेलिंग ना है तो ऐसे लिखते हैं बेटा, ड्रॉइंग्स, बैंक, परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न। मैं शॉर्टकट लिख दूं, PRNSR, स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है जी। कैश का बैलेंस कहाँ लिखा है हमने, ऑन द डेबिट साइड, कितना, 78500, यही है ना, 78500 ऑन द डेबिट साइड, अमाउंट डेबिट में लिख दिया मैंने बेटा। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड कितना, 1,00,000। चलो जी आगे बढ़ो, परचेज बैलेंस कितना, 15,000, लॉस बाय सॉरी सेल्स अकाउंट है बेटा, बैलेंस कितना, 5,000, लॉस बाय फायर का 2,000, ड्रॉइंग्स का बेटा 3,000। मैं ना मैच नहीं कर रहा हूँ, ऐसे चल रहा है, ऊपर नीचे हो गया। बैंक का बेटा बैलेंस 5,000, परचेज रिटर्न बेटा क्रेडिट साइड 500 रुपये, और बेटा सेल्स रिटर्न डेबिट साइड 2,000 रुपीज। यकीन मानना आपको ट्रायल बैलेंस से श्योरिटी मिल जाती है कि आपने सब कुछ सही करा है कि नहीं। कैसे पता लगेगा बेटा, अगर दोनों साइड का टोटल बराबर है दैट मीन्स हमने सब कुछ सही करा है। देखे बराबर है कि नहीं, क्रेडिट साइड का टोटल है बेटा 1,05,500, डेबिट साइड का देखना है बेटा, करके देखना, आ गया जी बिल्कुल ठीक है, दैट मीन्स हमने सब कुछ ठीक किया। तो बेटा अगर इतने बड़े अकाउंट्स बनते हैं, देखो ट्रायल बैलेंस कितनी छोटी सी समरी है। ट्रायल बैलेंस बताता है जब साल खत्म हुआ तो बिजनेस में कैश बचा हुआ है 78500, जब साल खत्म हुआ तो बिजनेस में कैपिटल पड़ी थी 1,00,000,
इस पूरे साल की परचेस 15,000 है, इस पूरे साल की सेल 5,000 है, इस पूरे साल में आग से नुकसान हुआ 2,000, इस पूरे साल में ड्रॉइंग्स करी प्रोप्राइटर ने 3,000, आखिरी दिन बैंक में पैसे पड़े हैं 5,000 रुपए, परचेज रिटर्न पूरे साल में हुई 500 रुपए, सेल रिटर्न हुई 2,000। ये पूरी समरी बताता है कितने से पेज में, अरे आधा भी पेज नहीं भरा मैंने तो। 1,00,000 एंट्री होती है बेटा, ट्रायल बैलेंस भर रहा होता है बस एक पेज का जरा सा, जो समरी में बता रहा होता है कि क्या क्या हुआ है बिजनेस में पूरे साल भर। दिस इज समरी ऑफ अकाउंट। 9 बड़ी बड़ी जर्नल एंट्री करी आपने और बेटा कितनी सी समरी निकली बेटा, सिर्फ 9 छोटे छोटे अकाउंट के बैलेंस लिख दिए, खत्म। बात क्लियर हुई? सिंपल बात। हर क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे बेटा, मैं एग्जांपल दूंगा, हमें क्या करना है जर्नल एंट्री के साथ साथ ट्रायल बैलेंस जरूर प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। कल हमने 2 क्वेश्चन घर से करे थे ना, एक काम करते हैं बेटा, आप ये मत नोट करो, आपको बनाना तो आ गया, इतना बड़ा मैं आपसे नोट कराऊं वो ठीक नहीं होगा। आप एक काम कर दो, उन दोनों क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखा दो मुझे बहुत जल्दी से, ठीक है जी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब लेजर में एक और मुश्किल बात, नई बात सीखते हैं। लो जी, आज के लिए एक नई बात सीखते हैं बेटा, फिर होमवर्क लेकर जाना मुझसे बहुत सारा, फिर करेंगे हम छुट्टी। लो प्यारे बच्चों फटाफट से देखना बेटा, जब मैं रूल ऑफ पोस्टिंग सिखा रहा था ना आपको, जा आज भी मैं बोलता हूँ कि हमेशा अगर कैश अकाउंट बोल रहे हो तो कैश के सामने वाली अमाउंट पोस्ट करो, ये मैं क्यों बोलता हूँ आज समझ में आ जाएगा आपको। हम एक काम करते हैं, हम क्या सीख रहे हैं आज ये बता देता हूँ। मैं एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ जिसका नाम है बेटा पोस्टिंग ऑफ कंबाइंड एंट्री, पोस्टिंग ऑफ कंबाइंड एंट्री, जिसको प्यार से मैं कॉम्बो एंट्री बोलता हूँ, ठीक है ना, पोस्टिंग ऑफ कंबाइंड एंट्री। लो मेरे प्यारे बच्चों सुनो, एक कंबाइंड एंट्री करेंगे आप मेरे साथ साथ। लेट सपोज कि हमने गुड्स खरीदा है किसी मोहन से, तो मैंने एंट्री क्या की होगी, परचेज टू मोहन। मैंने गुड्स खरीदा है मोहन से तो मैंने एंट्री करी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीज, मान लो 50,000। और बेटा नेक्स्ट पॉइंट में मैं बोलता हूँ कि हमने मोहन को पे कर दिया है बेटा, बाबू मोहन ने हमें 5% कैश डिस्काउंट दी है, ठीक है। जब हमने मोहन को पे करा होगा तो क्या कैश गया होगा, कैश गया होगा तो कैश क्रेडिट, ठीक है। मोहन ने हमें 5% डिस्काउंट दिया है बेटा, जब भी डिस्काउंट मिलती है मेरी इनकम और सारी इनकम क्रेडिट होती है एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल। क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो बेटा मैंने क्या लिखा होगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और बेटा जब मैंने मोहन को पे कर ही दिया है तो बेटा मैं क्यों क्रेडिटर बने रहने दूं, मैं बुक से खत्म कर दूंगा तो मैं मोहन को डेबिट कर दूंगा। मोहन को 50 पे करने थे बेटा, उसने 5% कैश डिस्काउंट दिया, 5% 50,000 का, यानी कि बचा हुआ मैंने 47500 पे कर दिया। क्या ये कंबाइंड एंट्री है? बिल्कुल जी, कंबाइंड एंट्री कर दी मैंने, इकट्ठी नहीं करी, ठीक है जी। अब आएगा बहुत मजा, चलो जी अब करें पोस्टिंग बेटा, चलो अब आ जाओ मेरे साथ साथ। लो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी पेन नहीं चलाएगा बेटा, दिमाग हिल जाएगा वरना मुझे मत कहना, क्योंकि जब मैं कोई नई बात सिखाता हूँ बेटा पेन की जरूरत होती नहीं है उस टाइम पर। लो प्यारे बच्चों, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाऊँ, देखो कौन सा अकाउंट बनना चाहिए, परचेस, उसके अलावा पहला अकाउंट बनेगा परचेस, दूसरा मोहन, यहाँ पर मोहन है दूसरे अकाउंट में ही आ गया, तीसरा कैश और चौथा, 4 अकाउंट बनेंगे। चलो जी सबसे पहला अकाउंट बना रहे हैं बेटा परचेज अकाउंट। लो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से मेरे साथ साथ परचेज अकाउंट बनवाओ। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। टी से आप अकाउंट बना रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट साइड, राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट साइड। परचेज कहाँ पे लिखा है बेटा, ऑन द डेबिट साइड, तो पोस्टिंग होगी डेबिट साइड में, नाम क्या आएगा,
तो मोहन और अमाउंट परचेज के सामने वाली, अभी क्लियर होने वाली है आपको ये बात। तो बेटा मैं नाम लिखूंगा टू मोहन और अमाउंट लिख रहा हूं परचेज के सामने वाली बेटा 50,000, खत्म। और कोई किसी एंट्री में परचेज है? नहीं है बेटा, खत्म कर दूं बेटा। अकाउंट क्लोजर हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, और बेटा बैलेंस निकाल दूंगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 50,000। खुशी आराम से देख लो, देखो टोटल के नीचे ब्रॉट डाउन करते हैं हमेशा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, बढ़े आगे। मोहन का अकाउंट बनाए, बस यहीं पर काम की चीज है, यहीं पर काम की चीज है बेटा। लो जी, मोहन का अकाउंट बना रहे हैं बेटा, लिख लो मोहन्स अकाउंट। नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते बेटा, हमेशा लिखना हो अकाउंट वर्ड तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखते हैं बेटा। लो जी, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो एंड अमाउंट। तो बेटा मैं पहली एंट्री कर रहा हूं और पहली एंट्री में दिया बताएगी बेटा मोहन अकाउंट में कहां पोस्टिंग करूं। मोहन अकाउंट कहां पर लिखा है बेटा? टू परचेज लिख लो, लो लिख दो है बाय परचेज अकाउंट। बेटा अमाउंट मोहन के सामने वाली, मोहन के सामने कौन सी अमाउंट लिखी गई है बेटा? 50,000। लो प्यारे बच्चों, अब काम की बात सुन, अब बहुत मजा आने वाला आपको। बेटा मोहन का अकाउंट बना रहे हैं, ये एंट्री मैं पोस्ट कर चुका हूं, अब बेटा एंट्री आ गई है यहां पर। हां जी, मैं हमेशा क्या बोलता हूं बेटा, क्या करूं बेटा, मोहन अकाउंट डेबिट आ पोस्टिंग का होगी ऑन द डेबिट साइड, लेकिन नाम क्या आएगा? सामने वाली साइड का। सामने वाली अब एक तो बात लिखी नहीं गई, कितनी बातें लिखी गई हैं? दो, दोनों लिख दो। सामने दो लिखी गई है ना, दोनों लिख दो बेटा, यानी कि लिखूंगा टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लिख दो, लिख दो, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, दोनों बातें लिख दी। और अमाउंट के किसके सामने वाली बेटा? मोहन के सामने वाली। बेटा मोहन के सामने अमाउंट लिखी गई है 50,000। अब मैं कैश में लिखूं 50,000 या डिस्काउंट में लिखूं 50,000, मैं तो फंस गया। मैंने तो क्या कहा हमेशा, अमाउंट कौन सी लिखनी है? मोहन के सामने वाली लिखनी है बेटा, ठीक है ना बाबू? 50,000 लिखना है, कैश के सामने लिख दो 50,000 या डिस्काउंट के सामने। मेरे प्यारे बच्चों एक बात सोचो, क्या यहां वाली अमाउंट का भी टोटल 50,000 है? हाँ बिल्कुल, टोटल 50,000 है। ऐसे ना लिख दूं कैश के सामने 47,500 और डिस्काउंट के सामने 2,500। हाँ ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत तो है नहीं बेटा। ये बात अभी मैं मोहन के एंगल से बोल रहा हूं, जब मैं यहां बोलूंगा तो बेटा बात कुछ और बोलूंगा, आपको समझनी है बेटा, देखना है मैं क्या कर रहा हूं। बेटा मोहन अकाउंट डेबिट है, यानी कि पोस्टिंग होगी डेबिट साइड, लेकिन बेटा नाम आएगा सामने वाली साइड का, मैंने चिपका दिया। मैं लेकिन हमेशा बोलता हूं बेटा अमाउंट मोहन के सामने वाली लिखनी है, मोहन के सामने 50,000 लिखा गया। बेटा मेरे सामने प्रॉब्लम क्या है, मैं कैश के सामने 50,000 लिखूं या डिस्काउंट के सामने 50,000 लिखूं? मुझे अमाउंट 50,000 लिखनी है। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कैश के सामने यहाँ 47,500 लिखा, डिस्काउंट के सामने 2,500 लिखा, मिला के ये भी 50,000 ही बैठ रहा, तो मैंने अमाउंट को एज इट इज लिख दिया जैसे लिखा गया था, ठीक है जी। अभी 5 मिनट के लिए इसको ग्रैब करो, फिर देखते हैं बेटा जब मैं सारे अकाउंट बना लूंगा। बाबू दूसरी नई चीज आज की, जरूरी नहीं है हर केस में बैलेंस आएगा, क्या इस केस में बैलेंस आया? हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, क्रेडिट साइड का टोटल 50, डेबिट का 50, बैलेंस आया? हर केस में बैलेंस नहीं आएगा, दूसरी काम की चीज बता रहा हूं, ठीक है, ये दूसरी नई बात। लो जी, अब प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, अब हम बना रहे हैं थर्ड अकाउंट नोन एज कैश अकाउंट, मजा आ जाएगा। पहले ये देखो बेटा कैश किस साइड लिखा है, डेबिट या क्रेडिट, फटाफट देखो डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट साइड, तो बेटा पोस्टिंग कहाँ होगी? ऑन द क्रेडिट साइड, यानी कि मेरी राइट हैंड साइड में पोस्टिंग होने वाली है, ठीक है जी, क्रेडिट साइड में लिखा है। किस नाम से लिखूं बेटा,
किसी भी अकाउंट में उसका खुद का नाम नहीं जाता, हमेशा सामने वाली साइड का जाता है। क्या लिखो बेटा? बाय बाय मोहन। अब बेटा एक बात सुनो, थोड़ी देर पहले आप बोलते थे ना कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं, मैं हमेशा बोलता था कैश के सामने वाली अमाउंट लिखना, कैश अकाउंट बना रहे हो तो थोड़ी देर पहले क्या होता था बेटा, कंबाइंड एंट्री होती नहीं थी। थोड़ी देर पहले हम सोचते थे क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों साइड सेम ही तो अमाउंट लिखा, कोई भी लिख दो। तो बेटा अगर हम पहले से सही सीखेंगे, गलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पहले से बोलता रहा हूं कैश के सामने वाली अमाउंट लिखूंगा, तो बेटा मैं कैश के सामने वाली ही अमाउंट लिखूंगा। चाहे मैंने बाय मोहन लिखा है बेटा, मैंने बाय मोहन लिखा है ना, लेकिन मैं मोहन के सामने वाली अमाउंट नहीं लिख सकता, मैं कैश के सामने वाली अमाउंट लिख रहा हूं। कैश के सामने क्या अमाउंट लिखी है? 47,500। और तो कहीं पर नहीं है कैश? चलो जी कर दो अकाउंट क्लोज। हाईएस्ट टोटल ऑन द बोथ साइड, बैलेंस आ जाएगा टू साइड, टू बैलेंस कैरेट डाउन 47,500। और इसको ब्रॉड डाउन कर लेना बेटा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग, क्योंकि कैश का बैलेंस क्रेडिट साइड आ गया, मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया ही है। मैंने दो ही जर्नल एंट्री ली ना, मैंने अभी तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं दिखाया कैश के साथ, इसी वजह से गलत आ रहा है। वैसे कभी हो नहीं सकता कैश क्रेडिट साइड आ जाए, ठीक है ना, मैं पहले ही देख चुका था ये गलती हो गई। ठीक है जी, बढ़े आगे। लास्ट अकाउंट जो मुझे बनाना है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यही बना दूं? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कहाँ लिखा है बेटा, कौन सी साइड, डेबिट और क्रेडिट? तो बेटा पोस्टिंग का होगी, ऑन द क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा? बाय, नाम किसका आएगा? मोहन का ही आएगा, हमेशा सामने वाली साइड का आएगा बेटा ना। तो बेटा मैंने लिखा बाय मोहन, अमाउंट 50,000। नहीं, हमेशा डिस्काउंट के सामने वाली अमाउंट, दैट मीन्स 2,500। लो जी बेटा अकाउंट क्लोज कर लेना, बैलेंस निकाल देना। बाबू सुन लो, कंबाइंड एंट्री के केस में बंदा फंसता है। हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब हम पोस्टिंग कर रहे होते हैं, अगर मैं क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कर रहा हूँ, नाम हमेशा डेबिट साइड का आएगा। मैं डेबिट साइड के लिए पोस्टिंग कर रहा हूँ, नाम हमेशा क्रेडिट साइड का आएगा, अमाउंट बेटा आपके सामने वाली आएगी। लेकिन मोहन के केस में क्या हुआ बेटा, देखो मोहन डेबिट था तो मुझे पोस्टिंग डेबिट साइड करनी थी। मैंने बेटा देखा, जब मैं डेबिट साइड पोस्टिंग कर रहा था, मेरे सामने वाली दो तरफ लिखी थी, दो अकाउंट लिखे थे, मैंने दोनों को पोस्ट करा। मुझे अमाउंट कौन सा पोस्ट करना है? मोहन के सामने लिखा हुआ, मोहन के सामने 50,000 लिखा है। अब बेटा मेरे लिए परेशानी क्या, कैश के सामने 50,000 लिखूं या डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने 50,000 लिखूं? मुझे 50,000 लिखना है। तो बेटा ऐसे केसेस में मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों साइड का टोटल देखा, इन दोनों का टोटल भी 50,000 है, मैंने सेम अमाउंट लिख दी। लेकिन बेटा जब आप इसकी पोस्टिंग करने चले ना, ऐसी कोई गलती मत करना। मैंने कैश की पोस्टिंग करनी है बेटा, कैश क्रेडिट साइड लिखा है, क्रेडिट साइड ही पोस्टिंग होगी, लिखा बाय मोहन, लेकिन अमाउंट कैश के सामने वाली है, दोनों अमाउंट अलग अलग है। यहाँ तो ये अमाउंट और ये अमाउंट बराबर थी, लेकिन कैश के एंगल से सोचो, ये अमाउंट और ये अमाउंट बहुत अलग है, तो कैश के सामने वाली अमाउंट लिखना। ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव्ड की जब मैं पोस्टिंग कर रहा था, ये क्रेडिट साइड लिखा था, मुझे क्रेडिट साइड पोस्टिंग करनी थी, ये मत कर देना मोहन के सामने वाली अमाउंट लिखो, हमेशा डिस्काउंट के सामने वाली। बात क्लियर? होमवर्क का क्वेश्चन लिखो फटाफट से, एक ही क्वेश्चन करेंगे, बड़ा क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 10 एंट्री। चलो जी लिखो फटाफट से क्वेश्चन। पहली जर्नल एंट्री, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 80,000। परचेज फ्रॉम मोहन 60,000 rupees, purchase returned to Mohan 20,000, Mohan is paid 5% cash discount,
आफ्टर अवेलिंग 5% कैश डिस्काउंट। जर्नल एंट्री ठीक होगी तो ही सब कुछ ठीक होगा, विद लेजर विद ट्रायल बैलेंस मुझे आंसर दिखाना, ठीक है जी। चलो जी, फिफ्थ वन, गुड सोल्ड अमाउंटेड टू रुपीज 50,000। अमाउंट तो जान के नहीं बताई ना, आप निकालोगे ना मोहन को कितना देना है। गुड सोल्ड अमाउंटेड टू रुपीज 50,000, सेल्स के अमाउंट लिख देना 50,000, सेल्स रिटर्न बाया कस्टमर, सेल्स रिटर्न बाया कस्टमर अमाउंटेड टू रुपी 5,000, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 6,000, कितनी एंट्री होगी, बस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 6,000, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 5,000, कमीशन रिसीव्ड, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस पेड, या ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस इंकर्ड लिखो, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस इंकर्ड 5,000, होगी 10, बस चलो बस ठीक है ना। आपको लेजर और ट्रायल बैलेंस बना के आना है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।